सेवानिर्मित, रिपीट, सेवानिर्मित पैरामिलिट्री कल्याण संगठन कांगड़ा ने वीरवार को धर्मशाला में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन का कहना था कि सेवारत पैरामिलिट्री सदस्यों और उनके परिवारों के आश्रितों को तो केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जा चुका है, लेकिन उसी तर्ज पर सेवानिवृत्त सदस्यों को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से नहीं जोड़ा गया है। ऐसे में केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त सदस्य एवं उनके परिवारों को भी जल्द आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री कल्याण संगठन के प्रदेशाध्यक्ष वीके शर्मा ने कहा कि उनकी मांग है कि प्रदेश में जिला स्तर पर पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। प्रदेश सरकार ने 4 अगस्त 2020 को पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड गठन के लिए नोटिफिकेशन तो कर दी थी, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार को पैरामिलिट्री की कैंटीनों को CST कैंटीनों की तर्ज में GST में छूट दे देनी चाहिए। साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि पैरामिलिट्री के सभी बलों का गठन सेना की तरह आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन से हुआ है। की बात है कि हमारे लोगों ने शहादत दी, अपने सम्मान को, जिंदगी को खोया, अपने परिवार को मिट्टी में मिला दिया, और उसके बाद उनको सम्मान के नाम पर उसको कोई जगह भी नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से जो हमारे साथ जो अनदेखी हो रही है, हमारे शहीदों के साथ जो अनदेखी हो रही है, GST के रूप में कैंटीन सुविधा हमारे से छीन ली गई है, ख़त्म कर दी गई है, जो पहले हमारे को दी जाती थी वो नहीं है, और इसके अलावा CGHS फैसिलिटी स्टेट में नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सिस्टम चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कोई सिस्टम होता है, कोई बोर्ड होता है जिससे पता लगता है। आप देखिए कि हिमाचल पूरे में कितने अर्सैनिक हैं, कहाँ से रिटायर हैं, किस कहाँ से रिटायर हुए हैं, कितने हैं, कितनी संख्या में हैं, किसी सरकार को, ना केंद्र को, ना राज्य को इसके बारे में पता ही नहीं है। वो दुधारू गाय की तरह लिया, अपना काम लिया और उनको जंगल में छोड़ दिया कि अब आप रिटायर हो गए, हम नहीं जानते। कभी केंद्र सरकार कहती है आप सिविलियन हैं, कभी केंद्र सरकार कहती है कि आप जो है फोर्स के हैं। जब पनिशमेंट देनी है तो फोर्स एक्ट लगेगा, जब आपको फैसिलिटी देनी है तो आपको सिविल एक्ट लगेगा। आप देखिए, अगर आप लोग मीडिया बंधु जाने तो पूरे दुनिया में ऐसी कौन सी संस्था है जिसको दो सेट ऑफ रूल से गवर्न किया जाता है? CCS एक्ट से भी गवर्न किया जाता है, फोर्स एक्ट से भी गवर्न किया जाता है। सजा देनी है फोर्स एक्ट, और फैसिलिटी देनी है तो CCS एक्ट, जिसमें आपको सिविलियन कहा जाएगा। तो इस प्रकार की जो समस्या है हमारे भाइयों के बीच में आ रही है कि हमारा एक आदमी ग्रामीण व्यक्ति जो रिटायर हुआ है, 80 साल की एज में है, वो अपने लिए कभी कोई फैसिलिटी चाहता है तो वो कहाँ जाए? कोई सिस्टम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में सिस्टम नहीं है, स्टेट में सिस्टम नहीं है, सेंटर में सिस्टम नहीं है। आप बताइए कि एक गरीब आदमी दिल्ली में कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे खटकाएगा कि मेरी पेंशन दे दो, मेरे ये कागजात में गलती हो गई है इसको दे दो, मेरे को ये फैसिलिटी मिलनी है जो आप लोग पेपर में देते हैं। जब सिस्टम ही प्लेस में नहीं है तो हमको अनजान सड़कों पर छोड़ के क्या फ़ायदा है? हमको अनजान बना दिया गया है, हमारी जो एक पहचान थी वो आर्मी में खत्म कर दी गई है। हम आर्मी को सैल्यूट करते हैं, हम पुलिस को सैल्यूट करते हैं, हम जितनी भी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट के, हम सबको सैल्यूट करते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा आत्मसम्मान हमारे को वापस किया जाए, हमको एक नाम दिया जाए, पहचान दी जाए, और देश के लोगों को पता हो कि ये जो काम करने वाले हैं ये लोग हैं। जब तक एक सम्मानित व्यक्ति आत्मसम्मान की जिंदगी जीना चाहता है और आत्मसम्मान के साथ ही इस जिंदगी को छोड़ना चाहता है, उस सम्मान को मांगने का कहां क्या गलती है हमारी? सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट।